Hello students, I am Anju and you are most welcome on my channel New Era Maths Classes. पिछली वीडियो में हमने की थी एक्सरसाइज 1.2, आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.3। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आपके पास कुछ डेफिनेशंस हैं, इनको क्लियर कर लेते हैं ताकि एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ जाएगी। डेफिनेशन ऑफ सबसेट्स। सबसेट क्या होते हैं? टू सेट्स ए एंड बी, आपके पास दो सेट गिवन है, देन बी इज सेट टू बी सबसेट ऑफ ए सेट ए। बी को हम ए का सबसेट बोलेंगे कब? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ बी, एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ ए। क्या कहते हैं? सबसेट दो सेट उठा के चलते हैं ए और बी। बी को आप ए का सबसेट बोलोगे कब? जब बी के सारे एलिमेंट ए सेट में आ जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, यही बता देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ए सेट उठा लिया मैंने, 1, 2, 3, 4, 5। बी सेट हम ले लेते हैं, 1, 2, 3। ठीक है, अब यहाँ से देखो, बी के सारे नंबर्स ए के अंदर है, 1, 2, 3, 1, 2, 3 इसके अंदर इंक्लूड हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं बी is a subset of set a। जो b set है आपके पास वो a का subset बन जाता है। कैसे represent करते हैं subset? अगर हम दिखाते हैं, इसी को आप लिख सकते हो b is subset of a। ठीक है, ये जो symbol होता है, this is, इस symbol को हम कहते हैं subset। ठीक है, ये subset के लिए use किया जाता है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए कंटेन्स बी। देखो चीज दोनों सेम है बिल्कुल, बी कंटेंड इन ए, बी ए का सबसेट है। अगर बी के सारे नंबर ए के अंदर आ जाते हैं तो हम कहेंगे बी इज ए सबसेट ऑफ ए। ठीक है, सेम टू सेम ए को मैंने इधर लिख दिया, बी को इधर लिख दिया, बट हम सिंबल अगर देखें, ये किसकी तरफ ओपन है? वो सेट बड़ा होता है, ये ए की तरफ ओपन है, इधर भी ये ए की तरफ ओपन है, तो दोनों चीज़ सेम है। ठीक है, इसको हम क्या लिखते हैं? अगर आपके पास ये आता है तो हम लिखते हैं बी इज कंटेन्ड इन ए। बी ए के अंदर कंटेन है, यानी कि बी के सारे एलिमेंट ए के अंदर है। ठीक है, अगर आपके पास ये सिंबल आ जाता है, कंफ्यूज नहीं होना, सेम चीज होती है। इसको बोलते हैं ए कंटेन्स बी। ए बी को कंटेन करता है, यानी ए बी के सारे नंबर को अपने अंदर लेता है। ठीक है, बी के सारे नंबर ए के अंदर, या फिर ए बी के नंबर्स को कंटेन करता है, दोनों चीज़ें जो है वो इक्वल है। ठीक है, तो ये था आपके पास सबसेट। जब भी हम सबसेट बताते हैं, सिंबल क्या यूज़ करते हैं? दिस इज, ये हमारा सबसेट के लिए सिंबल होता है। ठीक है, ये सिंबल सबसेट के लिए, और ये सिंबल किसके लिए था भाई? belongs to। ये क्वेश्चन में भी आएगा। जब हम ये सिंबल कब यूज़ करते हैं? ये यूज़ करते हैं जब हम सेट का रिलेशन सेट के साथ शो करते हैं। जब सेट को सेट में कंटेन दिखाते हैं तो हम ये वाला सिंबल यूज़ करते हैं। ठीक है, ये वाला सिंबल कब यूज़ करते हो? जब एलिमेंट को और सेट का रिलेशन दिखाते हो, यानी कोई एलिमेंट किसी सेट में बिलोंग करता है तो उसके लिए हम ये वाला सिंबल यूज़ करते हैं। और ये वाला सिंबल किसके लिए होता है? जब हम सेट और सेट का रिलेशन दिखाते हैं। ऐसा नहीं है कि ए सेट, बी सेट जो वो ए में कंटेन कर रहा है तो आप इसको ऐसे लिख दोगे बी बिलोंग्स टू ए, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये सिंबल होता है एलिमेंट्स सेट के अंदर हो, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि अगर ए के अंदर फोर एलिमेंट है तो फोर बिलोंग्स टू ए। अब ये सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट डेफिनेशन देखिए, प्रॉपर सबसेट। चलो इसमें बता देते हैं,
प्रॉपर सबसेट क्या होता है? अगर अभी हमने लिखा बी सबसेट है ए का, यहाँ पे बी सेट जो है 1, 2, 3 ये हमने उठाया, बी सेट ये भी हो सकता है 1, 2, 3, 4 सारे नंबर ए के अंदर आ रहे हैं, बी ए का सबसेट हो जाएगा, ठीक है। बी आपके पास ये भी हो सकता है 1, 2, 3, 4, 5 अगर मैं बी को 1 से लेकर 5 तक सारे नंबर ले लेती हूँ तो भी हम कह सकते हैं बी इज ए सबसेट ऑफ ए, सारे नंबर है, इसे ज़्यादा नहीं है, इससे कम नंबर होने चाहिए या इक्वल होने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो प्रॉपर की बात आती है तो प्रॉपर में हम क्या देखते हैं कि इक्वल नहीं आना चाहिए, यानी कि ये सेट नहीं होना चाहिए, इनमें से कोई भी हो सकता है, ये सारे प्रॉपर सबसेट है, यानी कि हम क्या लिखते हैं इसके अंदर बी कंटेंड इन ए, सिर्फ ये सिंबल लगाते हैं, नीचे इक्वल नहीं लगाते, जैसे हमने यहाँ पे लिया था दिस इज, तो ये सिंबल जो होता है आपके पास ये हमने अभी बताया था किसका होता है सबसेट का, ठीक है, और ओनली ये लगा देंगे तो ये सिंबल होता है प्रॉपर सबसेट का। प्रॉपर सबसेट का मतलब हो गया कि प्रॉपर जो सबसेट होगा उसके अंदर जो सेट है उससे कम नंबर मिलेंगे, इक्वल नहीं हो सकते, ठीक है। तो बी जैसे हमने 1, 2, 3 लिया, दिस इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, ओके। बी या 1, 2, 3, 4 ले लो, इसके अंदर 5 नंबर है, ठीक है, देन दिस इज ऑल्सो प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। बी अगर हम लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5 दिस इज नॉट प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, क्योंकि ये इसके इक्वल हो जाता है, और इक्वल होता है तो हम क्या करते हैं, हम इक्वल का साइन लगा सकते हैं, बट प्रॉपर में इक्वल नहीं होता। आगे बात समझ में? चलिए नेक्स्ट देखिए, सबसेट ऑफ ए सेट ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर के सबसेट्स कौन कौन से होते हैं? चलिए भाई, रियल नंबर, रियल लाइन उठा लो, जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, जो रियल लाइन होती है उसके अंदर जो रियल नंबर होते हैं, नेचुरल, इंटीजर्स, रैशनल, इरेशनल, सारे नंबर आ जाते हैं, ठीक है। ये हम ले लेते हैं रियल लाइन, इधर हमारे पास प्लस इन्फिनिटी होता है, इधर माइनस इन्फिनिटी, यानी इधर माइनस के नंबर चलते हैं, -1, -2, -3, -4 up to 100, इधर हमारे पास प्लस के चलते हैं 4, 5 up to 100, ठीक है। हम निकाल रहे हैं सबसेट ऑफ ए सेट ऑफ रियल नंबर्स, रियल नंबर यानी इसके सबसेट कौन कौन से हो सकते हैं। सबसे पहले आता है एन, एन लेके चलते हैं हम, एन क्या होता है, नेचुरल नंबर्स, ये हम पिछली क्लासेस में बता चुके हैं। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 up to 100, ठीक है। तो एन जो है, अब पूरी रियल लाइन में क्या आ जाता है, पूरी रियल लाइन में यहाँ से लेकर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी सारे नंबर आ जाते हैं, और नेचुरल क्या उठा रहे हैं, सिर्फ 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये नंबर उठा रहे हैं। इसका मतलब एन जो है वो सबसेट लिख सकते हैं हम रियल का, इक्वल नहीं हो सकते कभी भी, ठीक है। एन इज ए सबसेट ऑफ आर। फिर बात आती है डब्ल्यू, डब्ल्यू क्या होता है आपके पास, हॉल नंबर। हॉल नंबर क्या होते हैं, जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4 up to 100, ठीक है। यहाँ से देखोगे तो W भी रियल्स का सबसेट हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है रैशनल। रैशनल क्या थे, जो P by Q की फॉर्म में होते हैं, ओके, 1, 1 by 2, 1 by 3, 2 by 5 up to 100, जो भी आप लेना चाहिए, बटे की फॉर्म में होने चाहिए, वो आपके पास रैशनल नंबर होते हैं। और अगर रियल लाइन की बात करते हैं तो सारे नंबर इंक्लूड होते हैं, यानी कि इनके बीच के नंबर भी हमारे पास इसके अंदर आते हैं, रियल लाइन के अंदर, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, सिर्फ रैशनल। एक होता है इरेशनल, टी से रिप्रेजेंट करते हैं हम सेट ऑफ इरेशनल। इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, सेट अगर हम इसका बनाएं तो जैसे आप लेके चलोगे रूट टू इज इरेशनल नंबर, √3, √5 up to 100, ठीक है। एक तो इस तरह से देख सकते हो कि जिसका प्रॉपर अंडर रूट ना निकल गया, जैसे कि 4 हो गया, 4 का अंडर रूट कितना आ गया 2,
तो ये रैशनल नंबर हो गया। ठीक है, रूट थ्री ले लेते हैं, थ्री का प्रॉपर नहीं होता, रूट टू, रूट टू की वैल्यू कितनी होती है 1.414। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास इनका जो प्रॉपर अंडर रूट नहीं फाइंड आउट कर सकते, तो सेट ऑफ इरेशनल होता है हमारे पास। और ये नंबर कहाँ लाई करते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, ये तो हमारे पास हो गए इंटीजर्स, या फिर यहाँ से कहें तो नेचुरल नंबर, 0 से बोलेंगे तो होल नंबर। ठीक है, और अगर हम कंप्लीट ले लेते हैं, -4, -3 इस तरह से डिजिट उठा लेते हैं, तो ये हमारे इंटीजर हो गए। इंटीजर क्या होते हैं, नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव सारे होते हैं। ठीक है, बट जो इनके बीच के नंबर होते हैं, इसमें क्या आता है आपके पास, मैनी, इनफाइनाइट, रैशनल एंड इरेशनल नंबर। 1 और 2 के बीच में बहुत सारे रैशनल और इरेशनल नंबर्स हैं। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे, रियल जो आपके पास नंबर्स हैं उसके सबसेट निकाल रहे हैं। सबसेट मतलब इनसे छोटा सेट निकाल रहे हैं। तो जो क्यू है वो आपके पास क्या हो जाएगा, सबसेट ऑफ रियल लाइन। ठीक है, रियल नंबर्स, इरेशनल, टी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, तो ये सारे आपके पास सबसेट हो जाते हैं रियल नंबर्स के। इंटीजर्स, इंटीजर इज ऑल्सो सबसेट ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर में कंप्लीट आ जाता है और इंटीजर्स में हम सिर्फ ये वाले पॉइंट उठाते हैं, 0, 1, 2, 3 up to 100। क्लियर। चलिए नेक्स्ट दे रखा है इंटरवल एज सबसेट ऑफ आर। अब हम बात कर रहे हैं इंटरवल की। इंटरवल कैसे होता है, अभी हमने जो सेट बताए इसमें हम सिर्फ पॉइंट उठाते हैं, 0 ले लिया, 1, 2, 3, 4, सिर्फ ये वाले पॉइंट उठाते हैं। इंटरवल का मतलब होता है कि अगर मैं 1 से शुरू कर दूं 4 तक, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 और 4 के बीच में जितने भी नंबर आ गए, चाहे वो 2, 3 तो है ही हैं, इनके बीच के जो नंबर है फ्रैक्शन वाले, यानी कि रैशनल और इरेशनल नंबर जितने भी आ जाते हैं सारे इंटरवल में इंक्लूड होते हैं। ठीक है, तो इंटरवल को आप कैसे दिखाओगे, इंटरवल्स भी रियल लाइन के सबसेट्स होते हैं। जब आप इंटरवल बताते हो तो जैसे हमने उठा लिया इंटरवल 1 से 3, अब बात आती है इंटरवल हमारे पास किस किस टाइप के होते हैं। अगर आप ब्रैकेट लगाते हो 1, 3, ये स्मॉल ब्रैकेट अप्लाई करते हो, इसका मतलब होता है कि 1 से लेकर 3 के बीच के नंबर आएंगे, 1 इंक्लूड नहीं होगा ना ही 3 इंक्लूड होगा, इसको हम डार्क कर देते हैं इससे पहले, हम इसको डार्क कर देंगे तो ये हमारे पास 1 से लेकर 3 तक इंटरवल आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको लिखूं 1, 3, ठीक है, इसका क्या मतलब है, इसमें 1 इंक्लूड नहीं है बट 3 इंक्लूड है, इसको हम सर्कल कर देंगे, 1 नहीं लेंगे हम इसके अंदर, 3 लेंगे और बीच के सारे नंबर आ जाएंगे। ठीक है, 1, 3 का क्या मीनिंग है, 1 से लेकर 3 तक सारे 1 भी इंक्लूड होगा और 3 भी इंक्लूड होगा। ठीक है, इसको बोलते हैं सेमी क्लोज्ड, ये स्मॉल ब्रैकेट, ये क्लोज्ड ब्रैकेट, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1, 3। इसका मीनिंग होता है कि 1 आपके पास इंक्लूड कर रहे हो, क्लोज ब्रैकेट जो आ जाएगा वो नंबर आपके पास इसमें इंटरवल में इंक्लूड होगा। ठीक है, बट जो 3 है ओपन ब्रैकेट आ रही है इसके पास, तो 3 इंक्लूड नहीं होगा, 3 से पहले पहले के नंबर आ जाएंगे। ठीक है, तो सबसेट्स ऑफ इंटरवल एज ए सबसेट ऑफ आर, यानी कि रियल नंबर्स के सबसेट होते हैं ये, 1 से लेकर 3, ये आपके पास रियल नंबर में रियल नंबर का सबसेट है, क्योंकि हमारे पूरी रियल लाइन है। ठीक है, इसमें आपने छोटा सा इंटरवल उठाया। ओके, नेक्स्ट देखिए पावर सेट, इंपॉर्टेंट टॉपिक है पावर सेट। पावर सेट में क्या होता है कि एक सेट के जितने भी सबसेट बन सकते हैं सारे उठाते हैं। ठीक है, जैसे देखो कोई भी सेट हमने उठाया ए बी, ये मैंने सेट उठा लिया, पावर सेट कर रहे हैं हम, इसके जितने भी सबसेट बन सकते हैं सभी उठा लो। सबसेट्स के लिए एक चीज़ और बता देते हैं, फाई जो होता है, फाई क्या होता है, एम्प्टी सेट। फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, फाई हर एक सेट का सबसेट होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई नंबर नहीं होता, और कोई भी सेट ए, मान लिया ए मैंने सेट लिया है, ए इज सबसेट
ऑफ इट्सेल्फ। ए खुद का भी सबसेट होता है, कोई भी सेट खुद का सबसेट होता है, ठीक है। जैसे हमने स्टार्टिंग एग्जांपल लिया था, बी में अगर हमने नंबर एक से पाँच तक लिए तो वो ए का सबसेट था, ठीक है। ज़्यादा नहीं होने चाहिए, इक्वल हो सकते हैं। तो इसके अगर हम सबसेट उठाते हैं, सबसेट्स ऑफ ए, ए सेट हमारे पास ए और बी है, इसके हम सबसेट्स लेके चलते हैं। निकालिए, अभी हमने बोला कि फाई हर एक सेट का सबसेट होता है, तो एक तो हो गया फाई। फिर हम अगर ये कहें, दूसरा अगर मैं ये ले लूँ ए, क्या ए ए बी में कंटेन है? बिल्कुल कंटेन है, ए के ए एलिमेंट आ रहा है हमारे पास। नेक्स्ट हमने उठा लिया बी, ठीक है। और एक हम अभी जो सेकंड हमारे पास था, ए इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, यानी कि कोई भी सेट खुद का सबसेट होता है, तो ये हमारे पास हो जाएगा नेक्स्ट इज ए बी, ठीक है। तो ये आपके पास बन गए सबसेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए, यानी इससे ज़्यादा नहीं हो सकते इसके सबसेट्स, इसके मैक्सिमम सबसेट्स यही हो सकते हैं, ठीक है। तो पावर सेट ऑफ ए क्या हो जाता है कि सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए, ए कोई भी सेट उठा लो, कितने भी नंबर्स का हो, तो अगर मैं उसके सारे सबसेट्स का सेट बना देती हूँ तो वो पावर सेट होता है, ठीक है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं P ऑफ A से, चलिए इसी के बनाते हैं। A सेट A भी था हमारे पास, इसी के सबसेट का पावर सेट बनाओ, तो पावर सेट हो गया P ऑफ A, इसके अंदर जितने भी इसके सबसेट आए उन सबको लिख दो B A B। ध्यान ये देना है कि इसको भी ब्रैकेट में बंद करना है, क्यों? क्योंकि हमने कहा सेट बना रहे हैं हम किसका, सबसेट्स का। तो ये जो अंदर जो हमने एलिमेंट्स लिखे हैं ये हमारे पास सबसेट्स हैं, इनको अगर आप ब्रैकेट्स में करली ब्रैकेट्स में अगर अनक्लोज नहीं करते हो तो ये सेट ही नहीं बनेगा, तो पावर सेट नहीं बनेगा। तो पावर सेट जब बनाते हो तो हम इनको करली ब्रैकेट में बंद कर देते हैं सबसेट्स को, समझ गए। तो ये पावर सेट होता है। पावर सेट किसी भी सेट के, पावर सेट में कितने एलिमेंट हो सकते हैं? If A has an element, then P of A मतलब A का पावर सेट, इसके अंदर नंबर हो सकते हैं 2 की पावर n, ठीक है। ये आपको याद रखना है, अगर A में कितने, मान लो कि A के अंदर हमने ले लिया 1, 2, 3, तीन उठा लिए एलिमेंट, ठीक है। n नंबर्स का मतलब ए के अंदर एन एलिमेंट है, यहाँ पे हमारे पास कितने हैं, तीन एलिमेंट हैं, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, पावर ऑफ ए अगर मैं निकालूँ एन ऑफ पावर ऑफ ए, इसका क्या मतलब होता है? एन ऑफ ए हमने पिछली वीडियो में किया था, एन ऑफ ए का मतलब होता है कि ए के अंदर कितने नंबर हैं, कितने हैं, 1, 2, 3, तो एन ऑफ ए हो गया 3। एन ऑफ पी ऑफ ए मतलब कि पावर सेट ऑफ ए में कितने नंबर आएंगे, ठीक है। तो अभी हमने बताया कि पावर सेट ऑफ ए में, यहाँ पे आप लिख सकते हो n ऑफ पावर सेट ऑफ ए 2 की पावर n होंगे, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, 3, 1, 2, 3 एलिमेंट है, तो यहाँ से आ जाएगा 2 की पावर 3 यानी कि 8। तो इसके जो पावर सेट होगा उसमें 8 नंबर होंगे, ठीक है। बनाओ इसका पावर सेट। फाई, सबसे पहले फाई तो लेते ही लेते हैं, 1 इसका सबसेट है, 2 इज ऑल्सो सबसेट, फिर हम 3 लेते हैं, फिर हम दो दो के पेयर उठाते हैं, 1, 2, 2, 3, इसके बाद 1, 3, चाहे 3, 1 लिख लो चाहे 1, 3 लिख लो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप आगे पीछे लिख दोगे एलिमेंट्स को, अच्छा जी, 1 और इटसेल्फ। अब देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो पी ऑफ ए में कितने नंबर आ गए, 8, और यहाँ से भी हमने 8 निकाले थे, ठीक है। तो कभी भी पावर सेट ऑफ ए बना रहे हो तो उसमें आप चेक कर लिया करो कि आपके पास यहाँ से कितने नंबर आने चाहिए, उतने ही हमारे सेट पावर सेट ऑफ ए में आने चाहिए। अगर ए में आपके पास 4 नंबर हैं, एन ऑफ ए इज इक्वल टू 4, यानी कि इसके ए में 4 एलिमेंट हैं, तो एन ऑफ पी ऑफ ए क्या आएगा,
टू की पावर फोर, ठीक है, कितने एलिमेंट हुए 16, ओके। तो ये था आपके पास पावर सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? यूनिवर्सल नाम से ही पता चल रहा है, सबसे बड़ा सेट। अगर आपके पास बहुत सारे सेट दे रखे हों, जैसे आप यही ले लो, आप जो पी ऑफ ए है आपके पास, इन सारे सबसेट्स का यूनिवर्सल सेट है, क्योंकि ये सारे सबसेट्स इसे इसके अंदर इंक्लूड हो रहे हैं, ठीक है। तो पी ऑफ ए यूनिवर्सल सेट ऑफ इट्स एलिमेंट्स। कंपेरेबल सेट क्या होता है? अगर आपके पास इफ़ ए कंटेंड इन बी या फिर बी कंटेंड इन ए, तो हम इनको कंपेयर कर सकते हैं, ओके। कंपेरेबल सेट वही होते हैं, या तो ए बी में कंटेन करना चाहिए या बी ए में कंटेन करना चाहिए, देन दीज आर द कंपेरेबल सेट, ठीक है। तो ये आपके पास डेफिनेशंस थी, चलो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। 1.3 आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द सिंबल दिस एंड दिस। ये आपके पास सिंबल किसका होता है? सबसेट का, ठीक है। और ये सिंबल अगर कट कर देते हैं इज नॉट सबसेट, इसका मतलब होता है कि ये सबसेट नहीं है। तो ये दोनों सिंबल आपको दो दो आपके पास सेट्स गिवन है, इनमें बताने कि कौन सा किसका सबसेट है, कौन सा नहीं है, ठीक है। सबसे पहला देखते हैं 2, 3, 4, इसमें नंबर है 2, 3, 4 और इसके अंदर नंबर 1, 2, 3, 4 या 5, ठीक है। तो इसके अंदर 2, 3, 4, 2, 3, 4, इसके सारे एलिमेंट हमारे पास इस सेट के अंदर आ रहे हैं, इसका मतलब ये इसका सबसेट हो गया, ठीक है। ए बी सी, बी सी डी, यहाँ पे ए एलिमेंट इसमें नहीं है, डी से हमें कोई मतलब नहीं है, हमारे पास ये सारे एलिमेंट इस सेट के अंदर आने चाहिए, तो ये सेट इसका सबसेट बनता है, अदरवाइज नहीं है। एक्स इज़ अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल, आपके स्कूल की 11वीं क्लास के बच्चे इस सेट के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। फिर आगे कहता है एक्स क्या है आपके पास, एक्स स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, एक्स जो हुआ आपके स्कूल का स्टूडेंट है। यहाँ पे हमने कहा कि एक्स 11वीं क्लास का स्टूडेंट है, आपके ही स्कूल की 11th क्लास का स्टूडेंट है एक्स, और यहाँ पे हम कह रहे हैं कि एक्स आपके स्कूल के स्कूल का कोई स्टूडेंट है। इसका मतलब देखो, स्कूल का स्टूडेंट बोल दिया, इसका मतलब इसमें स्कूल में सारी क्लासेज आ जाती है, ऑल्सो 11th क्लास ऑल्सो इंक्लूड, ठीक है। तो इसका मतलब चाहे आप ये कह लो कि 11वीं क्लास का बच्चा है, चाहे आप ये कह लो कि आपके स्कूल का ही कोई स्टूडेंट है, ठीक है, तो ये सेट इसका सबसेट हो जाता है, ठीक है। एक्स आपके पास गिवन है सर्कल इन द प्लेन, किसी भी प्लेन में हम कोई भी सर्कल बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे कहता है कि एक्स इज ए सर्कल इन द सेम प्लेन विद द रेडियस 1 यूनिट। कोई भी प्लेन उठा लिया हमने, हमने कहा कि हमने कोई भी सर्कल बना दिया, ये वाला कोई भी सर्कल, रेडियस हमें नहीं पता, 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकती है, बट यहाँ पे क्या मेंशन कर दिया कि एक्स आपके पास सर्कल है उसी प्लेन में, बट रेडियस कितनी है 1 यूनिट। अगर मैं यहाँ इस सेट का कोई सर्कल बनाती हूँ रेडियस 2 लेके, मान लो कि मैंने 2 रेडियस लेके यहाँ पे सर्कल बना दिया, तो क्या ये सेट इसमें कंटेन हो सकता है? नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि इसके अंदर वही सर्कल है जिनकी रेडियस 1 यूनिट है, समझ गए, यानी इसके अंदर सिर्फ वही सर्कल आते हैं जिसकी रेडियस 1 होगी, ओके, इसलिए ये इसका सबसेट नहीं हो सकता, ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि एक्स इज ए ट्राइंगल इन द प्लेन, इन कोई किसी प्लेन में कोई भी हमने ट्राइंगल बनानी है, ठीक है। ट्राइंगल 3 टाइप की होती है, कोई भी हो सकती है। यहाँ कहता है कि एक्स इज ए रेक्टेंगल इन द प्लेन, रेक्टेंगल क्या होती है? हमने पहले सेट में बनाई ट्रायंगल, यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, सॉरी फिफ्थ पार्ट है, यहाँ पे कह रहा है कि इसमें हमारे पास सारी ट्रायंगल्स इंक्लूड है, ठीक है, और यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक्स हमारे पास रेक्टेंगल्स है प्लेन में, तो रेक्टेंगल क्या होती है, दिस इज, तो ट्रायंगल रेक्टेंगल में फिट नहीं हो सकती, दिस इज नॉट ए सबसेट ऑफ दिस, ठीक है। एक्स इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इन द प्लेन, इक्विलैटरल क्या होती है, जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, ऐसी ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल, और यहाँ पे हमने बनाया कि एक्स इज ए ट्रायंगल इन द सेम प्लेन, ठीक है। अब कोई भी प्लेन ले रखा है उसके अंदर आप अगर आप ट्रायंगल बनाते हो तो वहाँ पे इक्विलैटरल भी आ सकती हैं,
ठीक है, जिसकी टू साइड्स इक्वल हैं वो भी आ सकती है, आइसोसेलेस एंड स्केलन भी आ सकती है जिसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं है। ठीक है, ये हमने प्लेन लिया और यहाँ पे कहता है कि इसमें ट्रायंगल्स हैं सारी, कोई भी हो सकती है, तो इसमें से कोई भी हो सकती है, बट हमने यहाँ पे क्या कहा कि यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये इक्विलेटरल इसके अंदर इंक्लूड हो सकती है क्योंकि इसके अंदर कोई भी आ सकती है, तो ये हमारा सेट पहले वाला बन जाता है। ठीक है, तो ये इसका सबसेट हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि x इज एन इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? 2, 4, 6, 8 अप टू सम, ये सेट निकल जाता है। ठीक है, और x यहाँ पे क्या कह रहा है? x इज एन इंटीजर। इंटीजर्स कौन से होते हैं? माइनस के, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अप टू सम, ये सेट हमारा बनेगा ये। ठीक है, तो क्या ये सारे एलिमेंट्स इस सेट में कंटेन हो रहे हैं? हो रहे हैं। हमें चाहिए दो, इस ये हमारा बोल रहा है 2, 4, 6, 8 और ये हमारे पास ऑल्सो इंक्लूड इन दिस सेट 2, 4, 6, 8। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? इसका सबसेट आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, क्वेश्चन नंबर सेकंड, एग्जामिन द स्टेटमेंट ट्रू एंड फॉल्स। आपके पास ये स्टेटमेंट्स गिवन है, आपको बताना है कि इनमें से कौन से ट्रू है कौन से फॉल्स है। ठीक है, यहाँ पे कहता है कि ए बी सेट इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी सी ए। इसका मतलब इस सेट के एलिमेंट इसके अंदर नहीं है, इसका ये कहने का मतलब है। ठीक है, चलो चेक करते हैं, ए ए बी बी, बट ये तो पूरा जो सेट है वो इसके अंदर इंक्लूड है, तो स्टेटमेंट कैसे हुई? फॉल्स। क्यों? क्योंकि ये इसका सबसेट है और इसने दिया है कि ये इसका सबसेट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ए ई एक आपके पास सबसेट है, ये कहता है कि दिस इज द सबसेट ऑफ दिस सेट। X इज अ वोवल इन इंग्लिश अल्फाबेट। कौन कौन से होते हैं? A, E, I, O, U। ये होता है सेट बिल्डर मेथड। ठीक है, इसको आप कैसे बना लिया करो? रोस्टर फॉर्म में बना लिया करो। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, A, E, A, E, ये इसके एलिमेंट इसके अंदर आ रहे हैं। ठीक है, और ये क्या कह रहा है कि ये इसका सबसेट है, तो ये स्टेटमेंट आपके पास क्या आ जाएगी? ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट देखो, 1, 2, 3 इसके अंदर नंबर्स क्या, ये सारे इसके सबसेट? कहता है कि दिस सेट इज अ सबसेट ऑफ दिस सेट। 1, 2, 2 नहीं है इसके अंदर, 2 इस सेट में तो है बट इसके अंदर नहीं है, इसलिए ये इसका सबसेट नहीं है, बट इसने कहा है कि ये है, तो ये स्टेटमेंट हमारे पास कैसी बन जाएगी? फॉल्स बन जाएगी। ये गलत है क्वेश्चन। नेक्स्ट कहता है कि ए सेट सिर्फ एक ही एलिमेंट है, सिंगलटन सेट ए इज अ सबसेट ऑफ ए बी सी। इसके अंदर ए एलिमेंट है तो ये इसके अंदर भी है, तो ये इसका सबसेट हो गया। इसका मतलब ये स्टेटमेंट कैसी होगी? ट्रू होगी। नेक्स्ट कहता है कि ए बिलोंग्स टू ए बी सी। यहाँ पे देखिए, ये आपके पास क्या है? सेट है और ये भी सेट है। अभी मैंने बताया था कि सेट और सेट के बीच में जो रिलेशन होता है वो किससे डिफाइन करते हैं? सबसेट से करते हैं, ना कि बिलोंग्स से। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट कैसी है? फॉल्स है, क्योंकि ये कहता है कि ये पूरा नंबर इसके अंदर बिलोंग कर रहा है, बट ओनली ए एलिमेंट इसके अंदर आ रहा है। अगर ये आपके पास ऐसे गिवन होता कि ए बिलोंग्स टू ए बी सी, देन ये ट्रू था। ठीक है, बट इसने ब्रैकेट लगा दी, इसका मतलब ये पूरा सेट बन गया, और सेट के बीच का जो रिलेशन होता है वो हम इससे डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपके पास फॉल्स है। नेक्स्ट देखिए, x इज एन इवन नेचुरल नंबर। ये है नेचुरल नंबर लेस देन 6। इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6 कौन से निकल के आएंगे? बना लीजिए, 1 से शुरू होते हैं, 2, 4, बस 6 से छोटे लेने हैं। ठीक है, यहाँ कहता है कि x इज एन, यानी कि नेचुरल नंबर, x इज ए नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36। ऐसे नेचुरल नंबर निकालो जो 36 को डिवाइड करते हो। इसका बना लीजिए सेट, 1, 2 करता है, 3 भी करता है, 4 भी करता है, 6 भी करता है, इसके बाद 7, 8, 9, इसके बाद आता है 18, इससे पहले आ जाएगा 12, 18 और
36, यानी आपके पास ये आ जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास दो और चार ये एलिमेंट थे, यहाँ पे चेक कर लीजिए दो आ रहा है, चार चार भी आ रहा है, इसका मतलब ये इसका सबसेट है और इसने भी कहा है कि ये इसका सबसेट है, तो स्टेटमेंट आपके पास कैसी बन गई, ये ट्रू हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन, आपको एक सेट गिवन है, यहाँ पे चीज़ ध्यान से देखनी, मैं इसको रफ कर देती हूँ थोड़ा सा, अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, ए सेट गिवन है 1 2 3 4, ये जो आपके पास है इसका मतलब है कि दिस इज वन एलिमेंट ऑफ दिस सेट। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं है कि तीन भी एक एलिमेंट और चार भी एक एलिमेंट है, नहीं, यहाँ पे ऐसे नहीं लिख सकते थ्री बिलोंग्स टू ए, गलत है, यहाँ पे थ्री बिलोंग नहीं कर रहा, ना ही फोर बिलोंग कर रहा है, यहाँ पे जो आपके पास गिवन है थ्री फोर, दिस इज सेट बना के लिख रखा है, कर्ली ब्रैकेट में हो गया तो सेट हो गया, इसके ए के अंदर आ रहा है, इसका मतलब ये है कि दिस इज बिलोंग्स टू ए, मतलब दिस इज एन एलिमेंट ऑफ ए, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है इसके अंदर। ठीक है, तो इसमें नंबर कितने आ रहे हैं ए सेट में, एक दो तीन और चार, इसको आप पूरा एक नंबर काउंट करेंगे। ओके, ना ही तीन ए में बिलोंग कर रहा है, ना ही चार ए में बिलोंग कर रहा है, सेपरेटली अगर आप लिखते हो कि थ्री बिलोंग्स टू ए, गलत है, थ्री डजेंट बिलोंग्स टू ए। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, अब देखिए इसने पहला बोला है कि थ्री फोर कंटेंड इन ए, इसका क्या मतलब हुआ, थ्री फोर सेट ए के अंदर कंटेन है, देखिए आप ये जो सेट गिवन है ये इसका एलिमेंट गिवन है, ठीक है, ना कि सेट गिवन है। ओके, पहला आपके पास गिवन है थ्री फोर, थ्री फोर अभी मैंने बताया ये इसका एलिमेंट है, और हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि ये पूरा सेट ए में कंटेन है, इसका मतलब ये हुआ कि तीन भी ए के अंदर है और चार भी ए के अंदर है, बट ये गलत है। ठीक है, तो हमें ट्रू और फॉल्स बताने हैं, यहाँ पे भी करेक्ट इनकरेक्ट बताने हैं, तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत है, क्योंकि यहाँ पे तीन और चार एक एलिमेंट है, एलिमेंट है तो बिलोंग्स का साइन आएगा, कंटेन का नहीं आएगा, ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, क्योंकि सेट हमें इस टाइप से दे रखा है। ठीक है, आगे कहता है कि थ्री फोर कंप्लीट दिस इज बिलोंग्स टू ए, ये बिल्कुल सही है, क्यों, क्योंकि ये इसका पूरा एक एलिमेंट है और एलिमेंट और सेट का रिलेशन बिलोंग से हम शो करते हैं। ठीक है, थर्ड देखिए, थर्ड कहता है कि थ्री फोर, यहाँ पे भी ब्रैकेट लगा दिया, और कंप्लीट इज ऑल्सो कंटेन इन ए, इसका क्या मतलब हुआ, सेट थ्री फोर एक सेट है हमारे पास, इस सेट में कितने एलिमेंट हैं, अगर आप इसको छोड़ दीजिए सिर्फ यहाँ पे देखते हैं तो इस सेट में कितने नंबर हैं, एक नंबर है, कौन सा, थ्री फोर, इस सेट में एक नंबर है, कंप्लीट सेट थ्री फोर, पूरा सेट तीन और चार जो बना रखा है ये इसका एक नंबर हुआ, कहते हैं कि दिस इज कंटेंड इन ए, इस सेट के ये सेट हमने बाहर वाली ब्रैकेट्स जो ली है हमने, दिस इज हमारे पास सेट हो गया, ये जो सेट है आपके पास इसको हम बोल सकते हैं सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट, क्योंकि इसके अंदर एक ही नंबर है तीन और चार। ठीक है, इसमें कन्फ्यूज़न मत बना लेना, क्योंकि यहाँ से जो आपके पास ये एलिमेंट दे रखा है, अब कहता है कि इस सेट के नंबर ए के अंदर कंटेन है, इस सेट के नंबर कौन से हैं, तीन और चार का सेट, और ये हमारा ए के अंदर है, तीन और चार पूरा सेट इसके अंदर है, तो ये स्टेटमेंट हमारे पास कैसी हो जाएगी, राइट हो जाएगी। ठीक है, फिर कहता है वन बिलोंग्स टू ए, तो वन नंबर हमारे पास गिवन है, एक नंबर ए के अंदर बिलोंग कर रहा है, देन नेक्स्ट स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू, राइट। फिफ्थ देखिए, वन कंटेंड इन ए, अब वन क्या है, एलिमेंट, ए क्या है, सेट, तो एलिमेंट और सेट का रिलेशन किससे शो करते हैं, बिलोंग से, तो ये हमारी गलत हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे कंटेन लगा रखा है। नेक्स्ट कहता है 1 2 5, दिस सेट कंटेन इन ए, चेक करिए, वन एलिमेंट ए में है, टू एलिमेंट ए में है,
फाइव एलिमेंट ए में है, तो ये ए का सबसेट हो गया, इसके सारे एलिमेंट ए के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि 1 to 5 बिलोंग्स टू ए, दिस इज रॉन्ग, देखते ही पता चल रहा है क्योंकि सेट और सेट का रिलेशन कंटेन से शो करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 1 2 3 कंटेंड इन ए, क्या 3 नंबर इसके, एक और दो तो नंबर हैं, क्या 3 नंबर ए में बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा। सेपरेटली आप ये नहीं कह सकते कि 3 बिलोंग्स टू ए, 3 ए में नहीं है, तो यहाँ पे ये सेट इसमें कंटेन नहीं कर सकता। नेक्स्ट देखिए 5 बिलोंग्स टू ए, यहाँ पे हमने क्या कहा है कि 5 ए के अंदर बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब अगर ये ट्रू होती तो हम ए को ऐसे लिखते कि 1 2 3 4 एक नंबर, 5 और अलग से 5, अगर ऐसे होता हमारे पास तो 5 ए में बिलोंग कर जाता, ठीक है। बट हमारे पास क्या है, 5 नंबर तो है ही नहीं, तो ये हमारी गलत हो जाएगी। यहाँ पे 5 एक एलिमेंट है, समझ में आई बात, सेट नहीं है। वैसे नल सेट क्या होता है, 5 ही होता है, बट वो सेट होता है, यहाँ पे बिलोंग्स आ गया, इसका मतलब ये कह रहा है कि ये आपके पास ए का कोई ना कोई नंबर है, ठीक है। अगर ए का नंबर होता तो ए के अंदर हमें मिलता लिखा, तो ये का नंबर नहीं है, तो ये गलत हो गया। फिर कहते हैं 5 कंटेंड इन ए, इसका मतलब कंटेन का सिंबल ले रहा है, इसका मतलब ये आपके पास यहाँ पे सेट बन जाता है, 5 कंटेंड इन ए, दिस इज राइट, क्यों, क्योंकि 5 इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो ये आपके पास सही हो जाएगा। आगे कहता है कि 5 और बाहर इसने 5 भी लिख दिया, ब्रैकेट भी लगा दी, कहता है दिस इज कंटेंड इन ए, सिंबल तो सही ले लिया सेट और सेट का। फिर कहता है कि दिस इज सेट, इसका मतलब इस सेट के अंदर जो नंबर है वो ए के अंदर होना चाहिए, यानी 5 नंबर ए के अंदर होना चाहिए, बट 5 नंबर तो ए के अंदर है ही नहीं, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत से बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, आपको बहुत अच्छे से करना है।